देश प्रेमी मित्रों, इस कोरोना काल में कई प्रकार के दृष्टांत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस भयंकर महामारी के बीच में एक तो ऐसे ऐसे योद्धा जो समाज में ऐसी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, देखकर आश्चर्य लगता है। इसके ठीक विपरीत इसी समाज में कुछ ऐसे भी दानवी प्रकृति के मानव हैं जो कि लाश और सांस से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जीवन रक्षक सामग्रियों की कालाबाजारी करके। ये बात तो ठीक है। आज एक विशेष बात मैं बताना चाहूं आपको, आप सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, साथ ही साथ आप सुनकर तंग रह जाएंगे, आपको गर्व भी होगा इन योद्धाओं के बारे में। हिंद सेना इस प्रकार से कार्य कर रही है, विशेषकर अभी दिल्ली में, कि जो कोरोना से संक्रमित मरीजों जिनकी मृत्यु हो जा रही है, उन शवों के साथ ऐसे आत्मीयता व्यवहार करके ये उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं इस महामारी में, और वो भी विधि विधान से। उनके परिजन भी, उन मृतकों के परिजन भी उनके साथ नहीं आ रहे, किंतु ये योद्धा दिन रात एक करके ये उनके अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं। और विधि विधान का तात्पर्य, जहां लकड़ी लगनी है जितनी मात्रा में लकड़ी भी लगनी है, वहां घी जो भी समर्पित करना है, संस्कार में जो घी लगते हैं वो लग रहे हैं, अन्य सामग्रियां हैं, और पूरी श्रद्धापूर्ण ढंग से ये कर रहे हैं। आश्चर्य होता है, भगवान इन्हें शक्ति दे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके लिए, ये भी किन्हीं के बच्चे हैं, ये भी किन्हीं के भाई हैं, ये भी किन्हीं के पति हैं, ये भी किन्हीं की पत्नी है, ये भी लगे अपने घर द्वार स्वयं की चिंता किए बिना 24 घंटा एक लगे हैं। जहाज उन मृतकों के परिजन भी नहीं जा रही है, जाकर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन लगा रखा है, आप फोन करो, आपके पास के पहुंच जाएंगे आप, और इनकी सेवाएं आपको। तो ऐसे पुण्य कार्य में मैं जब देखा हूं तो मैं तो लगता हूं कि हिंद सेना को मेरा तो बिल्कुल सलूट, इनको, इन सभी योद्धाओं को मेरा नमन, और आपको भी इस पुनित कार्य में लग जाना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, जहां जैसे हो सके हम सबको यहां लगने की आवश्यकता है। मैं विशेषकर दो नाम को रोक नहीं पा रहा, दो नाम की मैं चर्चा करना लग रहा मैं बाध्य हूं। एक तो अनुज जी हैं हिंद सेना में, और एक माला जी हैं। इन दोनों को जितने भी बखान की जाए, मैं व्यक्तिगत इनको मैं देख रहा हूं, जैसी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से, इनको तो नमन, इनको तो सलूट बनता है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में ये जो कार्य हो रहा है, कोई शब्द नहीं मिलता है। हैट्स ऑफ, जय हिंद।